Hey everyone, Nissan this side, welcome to another video. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप लोग व्हाट्सएप पे बिना ऑनलाइन आए किसी से भी आराम से चैटिंग कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है हम लोगों के साथ कि हम लोग व्हाट्सएप पे ऑनलाइन नहीं आना चाहते या अपना लास्ट नेम चेंज नहीं करना चाहते हैं और सामने वाला आपको कुछ भी मैसेज कर रहा होता है, तो आप लोग नहीं चाहते ऑनलाइन आना, कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में आप लोग इस ऐप का यूज कर सकते हैं जो कि आपको ऑफलाइन होते हुए चैटिंग करने में हेल्प करेगी। तो इस ऐप का नाम ही है ऑफलाइन चैट, तो जैसा नाम वैसा काम। और साथ ही इस ऐप के कुछ एडिशनल फीचर्स भी है, जैसे कि आप लोग किसी के भी स्टेटस को आसानी से सेव कर सकते हैं और उसे आसानी से शेयर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को किसी के भी नंबर को बिना सेव किए आप उसे मैसेज करना चाहते हैं तो वो फीचर भी आपको इसी ऐप में देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप लोग अगर इस ऐप को यूज करते हैं तो आपको थोड़े बहुत एड्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों को जानना है कि आपको उस ऐड से छुटकारा कैसे पाना है बिल्कुल फ्री में, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर पे ये ऐप मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बस इस ऐप को इंस्टॉल करना है, आपको से जो भी परमिशन मांगा जा रहा है एक दो आप लोग वो परमिशन को दे सकते हैं और फिर ये ऐप यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर आपके व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आते हैं वो आपको एक व्हाट्सएप ऐप में शो करेगी और एक आपके ऑफलाइन चैट ऐप में शो करेगी। तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने दूसरे व्हाट्सएप से अपने इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस व्हाट्सएप से अपने इस व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन मेरे व्हाट्सएप पे गया और दूसरा नोटिफिकेशन मेरे ऑफलाइन चैट में आया है। तो मुझे ऑफलाइन चैट वाले नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और फिर आप लोग देख सकते हैं मुझे ये मैसेज शो हो रहा है। और अगर मुझे यहीं से कुछ रिप्लाई देना है तो मैं आसानी से यहीं पे मैसेज टाइप करके रिप्लाई दे सकता हूं और मेरा लास्ट नेम चेंज नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने मैसेज को 7:09 में रिसीव किया है और अभी मेरा लास्ट सीन 7:02 ही शो कर रहा है और अभी हो रहा है 7:10। तो ऐसे करके आप लोग ऑफलाइन चैट ऐप का बहुत ही आसान से यूज कर सकते हैं और इससे आप लोग चैटिंग कर सकते हैं। और साथ ही इस ऐप में कुछ और भी एडिशनल फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग स्टेटस सेव कर सकते हैं एक सिंगल क्लिक में आप। और इसके बाद एक लास्ट फीचर इसका डायरेक्ट चैट का, तो आप लोग यहां से डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। आपको बस किसी भी नंबर को टाइप करना है और आप लोग देख सकते हैं आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है गो टू डायरेक्ट चैट, तो आराम से यहां से मैसेज कर सकते हैं। हां, तो अब बात आती है कि आप लोग अगर इस ऐप को यूज करते हैं तो आपको थोड़े बहुत एड्स देखने को मिलते हैं, तो उस एड से छुटकारा कैसे पाया जाए, तो उसके लिए आप लोग एक ऐप का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है ब्लोकाडा। ब्लोकाडा बहुत ही फेमस ऐप है जो कि आपके सारे ऐड को ब्लॉक कर देती है, चाहे वो किसी भी ऐप में हो, किसी भी ब्राउजर में हो। अगर आप लोग क्रोम पे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या कोई भी गेम वाली ऐप है उसमें ऐड आपको आ रहे हैं, तो अगर आप लोग ब्लोकाडा का यूज करते हैं तो वो सारे ऐड को ब्लॉक कर देती है। तो अगर आप लोग ब्लोकाडा का यूज करना चाहते हैं तो आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है, आप लोग इंस्टॉल करिए और आप लोग एक सिंगल क्लिक में इसे ऑन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ब्लोकाडा के बारे में डिटेल से जानना है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगी चैनल पे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स और अपडेट्स के वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो जल्दी से आ जाओ @nikethan पे और मुझे वहाँ पे फॉलो कर लो। और यहाँ पे आपको मेरा थोड़ा दिख रहा होगा, इसे क्लिक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।